नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आज है 30 जनवरी 2021। तो आइए जानते हैं आज के 27 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुग्रह है, कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि बिहार में क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चे अब स्कूल जा सकते हैं। बिहार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। 8 फरवरी से वर्ग 6 से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल जाने पर से रोक हटा ली गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। हालांकि सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, साथ ही एक साथ 50% बच्चों को ही स्कूल आने की अनुमति होगी। बच्चे एक दिन के अंतराल पर विद्यालय जाएंगे। बिहार के गांवों की गलियां और चौराहे अब रात में भी रोशन रहेंगे। मुख्यमंत्री स्वात निश्चय पार्ट 2 के तहत इस कार्य की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इस योजना में यह तय किया गया है कि गांवों में हर 30 मीटर की दूरी पर एक सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगी। बिजली के पोल पर ये लाइट लगाई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के हर वार्ड में औसतन 10 स्ट्रीट लाइट लगेंगी। इस तरह राज्य में कुल 1,00,000 लाइट लगाई जाएंगी। पंचायत चुनाव के तुरंत बाद स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में बिजली बिल का दर बढ़ेगा या नहीं, इसका फैसला मार्च में आ सकता है। बिजली कंपनी के टैरिफ पिटीशन पर 26 फरवरी से 4 मार्च 2021 तक बिहार विद्युत विनियामक आयोग जन सुनवाई करेगा। हालांकि बिजली कंपनी ने इस बार बिजली दर में 10-20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगा। परीक्षार्थी पर कोरोना संक्रमण का कोई असर नहीं पड़ा है। इस बार मैट्रिक परीक्षा में 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बिहार बोर्ड की माने तो पिछले साल यानी 2020 में 14,94,771 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस बार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में 1,89,000 अधिक छात्र शामिल होंगे। इस बार 1,525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार 50 से अधिक केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। बिहार सरकार ने शुक्रवार को 20 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। इसमें कई जिले के एसपी को भी पदोन्नति दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी लेटर में बताया गया है कि अधिकारियों को यह प्रमोशन कननीय प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान संरचना में दिया गया है। पदोन्नति पाने वालों में रवि रंजन कुमार, दीपक रंजन कुमार, डॉक्टर इनामुल हक, मैगलून आमिर जावेद, अशोक कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, राजीव रंजन वन, आनंद कुमार, अवकाश कुमार, कुमार आशीष, राजेश कुमार सिन्हा, नीरज कुमार सिंह, सुशांत कुमार सरोज, राजीव रंजन टू, रमन कुमार चौधरी, शैलेश कुमार सिन्हा, सत्यनारायण कुमार, सुशील कुमार, विजय प्रसाद, दिल नवाज अहमद का नाम शामिल है। पटना नगर निगम क्षेत्र के सभी निजी और सरकारी कार्यालयों में बोतल बंद पानी का उपयोग अब नहीं होगा। नगर निगम की जैव विविधता प्रबंधन समिति ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका पालन नहीं करने वालों से निगम जुर्माना वसूलेगा। शुक्रवार को समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्लास्टिक बोतल के निर्माण में बिसफेनॉल ए नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है, जो मानव शरीर के लिए खतरनाक है। बिहार में काफी तेजी से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों के मन में काफी सारे सवाल आ रहे हैं, जिसका जवाब आपको बिजली विभाग द्वारा डेवलप की गई बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप में मिल जाएगा। इसमें लॉगिन करते ही सभी सुविधाओं की जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। उपभोक्ता का पूरा प्रोफाइल दिखाई देगा, जिसमें बिजली बिल भुगतान करने की सुविधा, रोजाना कितना बिजली उपयोग कर रहे हैं, पहले वाले मीटर की बिल राशि, कनेक्शन वाले उपभोक्ता अपने खाते में अन्य कनेक्शन जोड़ सकते हैं और एक ही लॉगिन से दूसरे कनेक्शन की पूरी जानकारी देख सकेंगे। को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मीटर रिचार्ज करने के लिए मैसेज मिलता रहेगा। प्रथम बार मीटर रिचार्ज करने के लिए सूचना के बाद उपभोक्ता को 3 दिनों का समय दिया जाएगा। इस बीच जमा नहीं करने पर 4th दिन बिजली बिल काट दी जाएगी, यानी बिजली काट दी जाएगी। बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर फ्री में लगा रही है। 1 फरवरी से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। हालांकि बीते साल दिसंबर में 2 बार रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं। इस साल जनवरी में कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे। अब फरवरी महीने में देखना होगा कि कंपनियां दाम बढ़ाती हैं या नहीं। हर महीने की 1 तारीख को कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडरों के दाम तय करती हैं। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने जूनियर टेक्नीशियन अकाउंट्स असिस्टेंस, मार्केटिंग असिस्टेंस और प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट के पद के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने पदों के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट sudha.cwop से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड का लिंक 5 फरवरी 2021 तक उपलब्ध है।
राज्य के विभिन्न जिलों में बालू के अवैध खनन की लगातार मिलती शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार सख्त हो गई है। राजस्व यानी टैक्स संग्रह बढ़ाने में जुटी सरकार ने बालू के अवैध खनन से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अधिकारियों को चेतावनी दे डाली है। कहा गया है कि यदि कर्तव्य में अधिकारी लापरवाही दिखाते हैं और राजस्व को नुकसान होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी। केंद्रीय चयन परिषद ने राज्य में सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में नोटिस जारी किया है। केंद्रीय चयन परिषद ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जिन महिला अभ्यर्थियों ने पीईटी में भाग नहीं लिया उनके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की नई तिथि निर्धारित की गई है। सीबीएसई के नोटिफिकेशन के अनुसार 4 फरवरी को पीईटी में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग पटना के प्रांगण में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। यह उनके लिए आखिरी मौका है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी सूचना सामने आ रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा को लेकर डेट शीट जारी करने का ऐलान किया है। मंत्री ने कहा है कि 2 फरवरी को सीबीएसई क्लास 10th और 12th का डेट शीट जारी हो जाएगा। बिहार के भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र रोबोटिक्स की दुनिया में कदम रख चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान करीब 10 छात्रों ने रोबोट के विभिन्न मॉडलों पर अपने स्तर पर काम किए हैं, जहां पर आकर्षण नामक छात्र ने रोबोट गार्ड तैयार किया है जो रात में घर की सुरक्षा करेगा। इसे ऑन कर देने पर यह चारों तरफ घूमकर चौकीदारी करता रहेगा। यही नहीं, किसी भी तरह की सूचना मिलने पर फौरन सेंसर बजेगा और घर में सोए लोगों को जगा देगा। वहीं निशांत नामक छात्र ने आटा गूंथने की मशीन तैयार की है। इसमें एक बार आटा और पानी मिला देने पर वो गूंथ कर इसकी सूचना भी देगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। इस संबंध में IOCL ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 19 फरवरी 2021 है। विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बिहार सरकार ने शुक्रवार को 20 IPS अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। इसमें कई जिले के SP को भी पदोन्नति दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी लेटर में बताया गया है कि अधिकारियों को यह प्रमोशन कननीय प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान संरचना में दिया गया है। पदोन्नति पाने वालों में रवि रंजन कुमार, दीपक रंजन कुमार, डॉक्टर इनामुल हक, मैगलून आमिर जावेद, अशोक कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, राजीव रंजन वन, आनंद कुमार, अवकाश कुमार, कुमार आशीष, राजेश कुमार सिन्हा, नीरज कुमार सिंह, सुशांत कुमार सरोज, राजीव रंजन टू, रमन कुमार चौधरी, शैलेश कुमार सिन्हा, सत्यनारायण कुमार, सुशील कुमार, विजय प्रसाद, दिल नवाज अहमद का नाम शामिल है। गुजरात लोक सेवा आयोग ने गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस में सीनियर ड्रग्स इंस्पेक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र आवेदक गुजरात लोक सेवा आयोग भर्ती अधिसूचना 2021 के लिए 17 फरवरी 2021 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बिहार से किसानों से जुड़ी यह बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने केंद्रीय सहकारी बैंकों और बिहार राज्य सहकारी बैंकों के 56,000 बकायेदार किसानों को नोटिस जारी कर उन्हें बकाया कर्ज वापस करने को कहा है। उन्हें एक मुश्त समझौता योजना के तहत 90% तक ब्याज से छूट का लाभ देकर ऋण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। अगर यह योजना लागू होती है तो सरकार किसानों से 563 करोड़ रुपए की वसूली कर लेगी। सरकार के इस आदेश को लेकर किसानों में मिश्रित प्रक्रिया हो रही है। नई सरकार बनने के बाद भी बिहार में सियासी उथल पुथल का दौर थम नहीं रहा है। खासतौर पर कम विधायकों वाले पार्टियों के नेताओं विधायकों का सीएम नीतीश कुमार से मिलना काफी कुछ इशारा कर रहा है। हाल ही में बसपा विधायक मोहम्मद जमा खान ने जदयू ज्वाइन कर लिया। निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने भी अपना समर्थन दिया और लोजपा के विधायक राजकुमार सिंह भी सीएम नीतीश कुमार से मिल उन्हें विकास पुरुष बता चुके हैं। गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के सभी 5 विधायकों की नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बिहार में कयासबाजियों का सिलसिला तेज हो गया है कि ये भी पाला बदलने वाले हैं। इसके साथ ही एक और चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब अगली बारी कांग्रेस के विधायकों की है। सूत्र ये भी बताते हैं कि कई कांग्रेसी विधायक जदयू के संपर्क में हैं, लेकिन जितनी संख्या विधायकों की चाहिए उतनी संख्या पूरी नहीं हो पाई है। दरअसल दल बदल कानून के दायरे से बाहर रहने के लिए कांग्रेस के कम से कम 13 विधायक एक साथ होने चाहिए।
कृषि कानून के खिलाफ महात्मा गांधी की शहादत दिवस यानी 30 जनवरी को राजद के नेतृत्व में महागठबंधन ने मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया है। इस मानव श्रृंखला में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार के सहयोगी पार्टी हम के मुखिया जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे, मगर एक शर्त पर। उन्होंने लिखा है यानी कहा है कि अगर उनकी शर्त मान ली जाती है तो वे मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। इस संबंध में मांझी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि नौकरी और टिकट के लिए जिन नेताओं ने किसानों से जमीन लिखवाई है, अगर उनसे किसानों की जमीन महागठबंधन के लोग वापस करवा दे तो मैं भी मानव श्रृंखला में शामिल होने पर विचार कर सकता हूं। घोर कलयुग आ गया है। नौकरी और टिकट के लिए किसानों की जमीन लिखवाने वाले भी किसानों को न्याय दिलवाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं चारा घोटाला में सजाए आपता लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब 5 फरवरी को सुनवाई होगी। दरअसल इस मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से अनुपूरक शपथ पत्र दायर किया गया था और उसकी कॉपी सीबीआई को सौंपने के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है। सीबीआई 1 सप्ताह के बाद सप्लीमेंट्री एफिडेविट पर जवाब दाखिल करेगी। राजद की तरफ से 30 जनवरी को मानव श्रृंखला पर भाजपा ने भविष्यवाणी कर दी है कि मानव श्रृंखला फ्लॉप होगी। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार तिरंगे का अपमान कराने वाले लोगों के साथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि 30 जनवरी को जो मानव श्रृंखला है वो फ्लॉप होगी। नए कृषि कानून के विरुद्ध किसानों को गुमराह कर जिन लोगों ने दिल्ली को 2 दिनों तक घेरे रखा, करोड़ों लोगों को आर्थिक चोट पहुंचाई और गणतंत्र दिवस पर हिंसा तोड़फोड़ करते हुए तिरंगे का अपमान किया, उन्हें अब देश के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले बिचौलियों खालिस्तानियों के साथ देखकर कांग्रेस, राजद और वामदल पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। ये लोग बिहार में गणतंत्र के शत्रुओं का दुस्साहस बढ़ाने के लिए जो मानव श्रृंखला बनाने वाले हैं उसकी कड़ियां बनने से पहले बिखर जाएंगी। किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन की ओर से बिहार में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इसको लेकर महागठबंधन में शामिल दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक राबड़ी देवी आवास पर बुलाई गई थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए बिहार के लोगों का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग इसे सफल बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जल्द से जल्द बाजार समिति और मंडी की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार के किसान भी उसी धारा में आएंगे जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। MSP से भी आधी कीमतों पर फसलों की खरीद हो रही है, डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है और मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। आखिर किसान जाएगा तो कहां जाएगा, क्या करेगा किसान? इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि किसानों का साथ दें और उनकी आवाज बने। नीतीश सरकार झूठे वादे करती है, 7 निश्चय 1 हो या 7 निश्चय 2, सब में घपला घोटाला है। सीएम सिर्फ अपनी कुर्सी के बचाव में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री का जनता से कोई संपर्क नहीं है। मुख्यमंत्री का एक ही अभियान है कि जोर तोड़ किसी भी प्रकार से कुर्सी उनके हाथ से नहीं जानी चाहिए। देश भर के किसान 1 और 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जहां दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, वहीं पटना में जन अधिकार पार्टी किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रही है। किसानों के समर्थन में जाप अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव बीते दिनों उपवास पर बैठ गए थे। पप्पू यादव ने कहा कि देश और प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को किसानों की तकलीफ व उनका दर्द दिखाई नहीं पड़ रहा है। आए दिन कर्ज के बोझ तले दबे किसान देश में आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बाद भी ये सरकार किसानों का दर्द यानी हम दर्द बनने के बजाय चंद पूंजीपतियों के समर्थन में काले कानून लागू करने में जुटी हुई है। जब किसानों के समर्थन में काले कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रखेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को डॉक्टर सौबेल गुप्ता के पार्थिव शरीर पर माला अर्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री सुबह 9:30 करीब डॉक्टर गुप्ता के बैंक रोड स्थित आवास पहुंचे। उन्होंने अपनी स्मृति को साझा करते हुए कहा कि अस्वस्थ रहने पर भी डॉक्टर सौबेल गुप्ता ने अपने कामों में कोई कमी नहीं आने दी। हर बार बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण उन्होंने ही तैयार किया, इस बार भी उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण का काम लगभग पूरा ही कर लिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने शुक्रवार को बिहार विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली। दोनों हाल ही में उप चुनाव में निर्विरोध नव निर्वाचित हुए हैं। परिषद के कार्यकारिणी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इन दोनों सदस्यों को शपथ दिलाई।
सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार प्रतिष्ठित महावीर अवार्ड से सम्मानित हुए। उन्हें यह पुरस्कार तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में एक समारोह में प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित थे। आनंद कुमार को 10,00,000 रुपये नगद, एक प्रतिष्ठित पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया गया। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर को दोनों ओर से बंद कर दिया गया है।